फ्रांस के एक छोटे से गांव जो कि जंगल के नजदीक था, एक उस गांव में एक गरीब परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। बालक जो कि पिता जैसा चाहते थे वैसा पढ़ नहीं रहा था, उसका पढ़ाई में मन कम लगता था, किंतु बालक बहुत मेहनती था, अपने पिताजी के कामों में मदद करता था। जंगल में से पागल भेड़िए कुत्ते गांव के किसानों को काट लिया करते थे और इसलिए गांव वालों की बड़ी दुखद मौत हो जाया करती थी। यह बालक ये सब घटनाएं अपनी आंखों से देखता तो अपने पिता से पूछता कि पिताजी इन्हें कैसे बचाया जाए। पिता ने कहा कि बेटा, इस खतरनाक बीमारी का इलाज केवल किताबों में है, तू विज्ञान की किताबें पढ़, तू ही इसका इलाज निकाल सकता है। जैसे ही बच्चे ने यह बात सुनी, अपने पिता से कहा कि सच्ची में किताबों में इसका इलाज है? पिता ने कहा, पक्का और सच में इसका किताबों में ही इलाज है, और तू उस इलाज को ढूंढ ले। वह पिता की इस बात को उसने गांठ बांध लिया और जो कभी किताबें पढ़ने से जी चुराता था, आज किताबों में ही डूबा रहता, रात दिन रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव शास्त्र की किताबें पढ़ा करता। पढ़ते पढ़ते बालक कॉलेज में प्रोफेसर बन गया, किंतु उसे अपने बचपन का ड्रीम कि मुझे उस बीमारी का इलाज निकालना है, वह नित्य प्रयोगशाला में प्रयोग करता रहता और जहां पर भी सुनता है कि पागल कुत्ते ने अमुक व्यक्ति को काट लिया है, वह वहां पहुंच जाता और उस पागल कुत्ते को ढूंढता और उसे मार कर उसके खून की जांच करता। और इस तरीके से उसने जांच के दौरान पाया कि पागल कुत्तों के खून में ही नहीं, उनकी लार में भी वायरस होता है। जब वह मनुष्य को काटता है तो लार के मार्फत वायरस मनुष्य के खून में भी प्रवेश कर जाता है और इस तरीके से वह कुछ ही हफ्तों में रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसने वायरस का पता तो लगा लिया था, किंतु अब इसे वायरस को कैसे निष्क्रिय किया जाए यह वो दिन रात सोचता रहता है कि इसका इलाज कैसे निकाला जाए, क्योंकि कुछ ही समय पहले इस बालक ने खाद्य पदार्थ को सड़ने से और खराब होने से बचाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया था, वह विधि आज भी पाश्चुरीकरण नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इस बालक का नाम लुई पाश्चर था। इसने देखा कि खाद्य पदार्थ जैसे दूध है, भोजन है, ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इसने दूध को गर्म कर फौरन ठंडा किया, जिससे दूध में उपस्थित जीवाणु नष्ट हो गए और दूध काफी समय तक खराब नहीं हो पाया। और उसको इस प्रयोग के मार्फत लंबे समय तक उपयोग में किया लिया जा सका और खाद्य पदार्थ के स्वाद में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। किंतु मनुष्य के शरीर में अगर ये वायरस आ जाता है तो मनुष्य को तो गर्म नहीं किया जा सकता, तो ऐसा क्या किया जाए कि ये वायरस नष्ट हो जाए। इसके लिए उसने एक घोल बनाया, उस लवण में उसने ये वायरस डाला और देखा कि वायरस निष्क्रिय हो गया है, वायरस की हलचल गति खत्म हो चुकी है, वायरस पूरी तरह से अप्रभावी हो गया है।
फिर उसने इस घोल को स्वस्थ कुत्ते में डाला और कुत्ते में जैसे ही यह घोल डाला तो उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता थी उसने उस वायरस को पहचान लिया और उसे खत्म कर दिया। फिर कुछ समय बाद उसके अंदर रेबीज का वायरस डाला किंतु उस कुत्ते को रेबीज नहीं हुआ। यह प्रयोग कुत्ते पर तो सफल हुआ, अब मनुष्य पर कैसे किया जाए? यह एक बड़ी चुनौती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मनुष्य का शरीर इसका विपरीत असर दे, तभी लुई पाश्चर सोच रहे थे कि क्यों ना कुछ और अभी एक्सपेरिमेंट इस पर किए जाए। तभी अचानक एक घटना घटती और एक महिला अपने बच्चे को हाथ में लिए लुई पाश्चर के पास आती है कि मेरे बच्चे को कुत्ते ने काट लिया है, प्लीज इसे बचा लीजिए। लुई पाश्चर उस बच्चे की जांच करते हैं और जिस कुत्ते ने उसे काटा था वहां जाते हैं, उस कुत्ते को बड़ी मशक्कत से ढूंढते हैं और उसकी जांच करते हैं। पता चलता है कि उस कुत्ते को रेबीज है। अब बालक जिसकी तबीयत दिन पे दिन अब बिगड़ रही थी और यह निश्चित था कि अगर इलाज नहीं किया जाएगा तो बच्चा कुछ ही हफ्तों में मर जाएगा, मगर इलाज करने में भी एक भयंकर चुनौती थी क्योंकि अभी तक मनुष्य पर इसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था और वे खुद भी अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। किंतु विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने निर्णय लिया और उस बालक में बनाया घोल इंजेक्शन के मार्फत कुछ मात्रा में इंजेक्ट किया और नित्य रोज उसकी मात्रा बढ़ाते गए और कुछ ही हफ्तों में उस बालक की तबीयत में सुधार होने लगा। क्योंकि उस बालक की जो प्रतिरोधक क्षमता थी उसने उस वायरस को जो निष्क्रिय रूप से उसके शरीर में डाला गया था, निष्क्रिय वायरस जो कि अपने आप को छिपा नहीं पाया और श्वेत रक्त कणिकाओं ने उसे ढूंढ लिया और उसका भक्षण कर लिया। अब श्वेत रक्त कणिकाएं इस वायरस को पहचान चुकी थी और कुत्ते ने जो उसके शरीर में वायरस छोड़ा था, अब उन श्वेत रक्त कणिकाओं ने उन्हें भी ढूंढकर मारना शुरू कर दिया क्योंकि अब वे इस वायरस से परिचित हो चुकी थी। वायरस अब छिप नहीं पा रहा था, छिपने की कोशिश करने के बाद भी छिप नहीं पा रहा था क्योंकि श्वेत रक्त कणिकाओं ने उन्हें पहचान लिया था और इस प्रकार कुछ ही हफ्तों में वह बालक बच जाता है। और इस तरीके से यह प्रयोग एक्सपेरिमेंट सफल होता है, पूरी दुनिया उनका आभार प्रदर्शन करती है और आज जो रेबीज के टीके, रेबीज के जो इंजेक्शन हमें लगाए जाते हैं वही महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर की ही देन है, जिन्होंने इस इंजेक्शन को बनाने के लिए इस दवाई को की खोज, इस दवाई को बनाने के लिए अपने परिवार को खो दिया, अपनी दो बच्चियां और अपनी पत्नी तक को उन्होंने खो दिया क्योंकि वे अपने परिवार पर
ध्यान नहीं दे पाए और अपने परिवार के जितने भी बच्चे और पत्नी का असमय मृत्यु हो गई, वे उनसे नाराज रहते थे, किंतु समाज के लिए कुछ करना था, इसलिए उन्होंने इस महान बलिदान को किया। ऐसे महान लुई पाश्चर, जिन्हें मानव जाति का रक्षक कह सकते हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में लोग जानवरों के काटने से मर जाया करते थे। आज उन्हीं की वजह से रेबीज का इलाज हो पाया है। ऐसे महानतम वैज्ञानिक को हमें नहीं भूलना चाहिए। महानतम लुई पाश्चर को हम नमन करते हैं, आभार प्रदर्शन करते हैं और ऐसे महान लोगों की जीवनी, उनके त्याग, समर्पण और उनके कार्य लोगों तक पहुंचाना चाहिए, जिनकी वजह से आज मानव जाति जिंदा है, जिन्होंने अपना सर्वस्व मानव की रक्षा के लिए त्याग दिया, अपने सुख चैन और नींद को छोड़ दिया। मगर दुर्भाग्य है कि ऐसे महानतम वैज्ञानिकों का नाम आज की पीढ़ी के लोगों को याद तक नहीं है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें ऐसे लोगों से परिचय कराएं। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिनकी वजह से आज मानव जिंदा है, उसका अस्तित्व है। थैंक यू वेरी मच।